नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूं आप सब प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। आज का वीडियो खास है हमेशा की तरह, लेकिन उससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपनी कुंडली का परामर्श भी मुझसे ले सकते हैं। 1100 रुपये में सिर्फ एक सवाल आपको बताया जाता है। यदि पति पत्नी संबंधी सवाल है तो दोनों के लिए अलग अलग आपको 1100 1100 देने पड़ेंगे। एक प्रश्न के लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ज़्यादा सवाल भी आप पूछ सकते हैं, उसके लिए ईमेल आईडी के थ्रू मुझसे संपर्क करें। कमेंट सेक्शन में फ़ीस वगैरह ना पूछें, मैं आपको यही बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी अपना चार्जेस बताइए, कुंडली देखने का कितना लेते हैं आप। तो कुंडली प्रेडिक्शन का चार्ज मैंने आपको बता दिया एक सवाल का। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही संक्षिप्त है, छोटा सा है, लेकिन बहुत ही काम का है। बस इतना सा करने से ही ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा और अथाह धन संपदा आपको मिलने लगेगी। सुबह सुबह उठकर स्नान करके अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इसके बाद में अपने कुल देवता और पितृ देवता का स्मरण करें। इसके अलावा ये जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित आपके पास पैसा आएगा। आपको वो सोर्सेज नज़र आने लग जाएंगे जो आप विस्मृत कर चुके थे। आपको नहीं पता था कि किस सोर्सेज से आपके पास पैसा आने वाला है, किस क्षेत्र में आपको प्रयास और मेहनत करनी चाहिए, वो चीज़ आपको क्लियर होगी। बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता मित्रों, लेकिन ये उपाय आपको वो दिशा जरूर दिखा देते हैं। लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो इसे फॉलो ना करें, क्योंकि विश्वास में ही सब कुछ है। बहुत छोटा सा टिप आज आपको देने जा रही हूँ धन संबंधी। जिन लोगों को भी दिन में टॉयलेट जाना हो, वो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके टॉयलेट करें और रात्रि को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके टॉयलेट करें। टॉयलेट और शौच दोनों पर ही ये बातें लागू होती है। तो दिन में उत्तर और रात्रि को दक्षिण, बस इतना सा करने से ही आपके पास धन के रास्ते खुलने लगेंगे। आपको पता चलने लगेगा कि आपको किस दिशा की तरफ टॉयलेट करने से आपको शुभता प्राप्त होती है और धन की प्राप्ति होती है। कुल मिला के दिन में दक्षिण की तरफ मुख ना करके टॉयलेट करें, दिन में मतलब दक्षिण की तरफ मुँह ना करें जिस दौरान आप टॉयलेट कर रहे हों, और उत्तर दिशा की तरफ रात्रि को मुख नहीं करना है। इतनी सी बात को ध्यान रखना है। नमस्कार, अब मैं समाप्त करती हूँ आज का वीडियो।